Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desired News, वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से आज फेस टू फेस बिग शॉट प्रोग्राम में एक दफा फिर आपके सामने एक ऐसे पॉप सिंगर को हम लेके आए हैं कि जिनको शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ना जानता हो। आज हमारे साथ है मोंटू मस्जी। लेकिन आज मैं मोंटू मस्जी का स्वागत भी करूंगा और साथ के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पिछले दो दिनों में बॉलीवुड के अंदर एक शॉकिंग न्यूज आई है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। तो मोंटू जी, आपका डिजायर न्यूज में स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मोंटू जी, दो दिनों के अंदर दो जो ऐसे सिंगर हैं वो गए हैं, क्या आप इसका क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, जो भी हुआ हमें कहेंगे बहुत बुरा हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट होना बहुत शॉक लगता है। जब मैं भी किसी शो पे था, मुझे किसी ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे ये सिद्धू मूसेवाला जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ पहले तो। फिर मैंने घर आके जब न्यूज़ देखी, मुझे मैसेजेस भी आए, क्योंकि जब तक तो प्रैक्टिकली हम नहीं देखेंगे तो हमें यकीन नहीं होता। तो हमने जब मैंने न्यूज़ देखी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने देखो, इतना हुनर लड़का और इतना बढ़िया सिंगर, और आज की डेट में ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली कि यकीन नहीं होता कि एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सुन के मुझे दुख हुआ। और उसके बाद जब अगली न्यूज मैंने देखी, जो ये सिंगर दूसरे सिंगर है के जो अभी ये एक्सपायर ये भी हुए, इनका देख के मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। तो हमारी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, फिर टाइम का तो कुछ पता लगता नहीं है। देखो, तो ये जो चीजें हुई हैं, सोच नहीं सकता, बहुत अजीब सी हुई है। नहीं देखिए, बॉलीवुड के लिए पिछले अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में हमने बड़े बड़े सिंगर को जो है खोया है। और इसी तरीके से जो है एक बड़ी शॉकिंग चीज है ये, अगर देखें के भी अपने आप में एक जितनी मूवीज उन्होंने करी है, जितने बॉलीवुड की वो की है, और इवन उनकी तो जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं कहूँ तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में करी। कई दफा ये होता है कि एक सिंगर सिर्फ पंजाबी गाता है, हिंदी सॉन्ग गाता है, लेकिन उन्होंने तो कई भाषाओं में जो है वो किया। बड़ी बड़ी अगर मैं जिसम की बात करूं या उनकी मतलब बेहतरीन गाने अगर उनके थे तो वो आज वो नहीं है। तो डिजायर न्यूज की तरफ से मैं सिद्धू मूसेवाला को और के को उनको श्रद्धांजलि में देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को एक ये दुख सहने की शक्ति दे। मोंटू जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आपके कई प्रोजेक्ट हैं, आप भी पॉप सिंगर हैं, अब आपका नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है? देखिए, नया प्रोजेक्ट जो मैंने बड़े सोचे हैं, कुछ डांसिंग नंबर भी सोचे हैं, लव सॉन्ग भी सोचा है। मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं आपके चैनल से डिजायर न्यूज से रिलीज हूँ जी, और एक बढ़िया सा सॉन्ग करें, लव सॉन्ग। लव सॉन्ग मैंने ले भी लिया है, तो उसमें बहुत जल्द मैं चाहूंगा आपकी ब्लेसेस रहे, आपकी आपकी टीम मेरे साथ जुड़े और हम एक बढ़िया सा सॉन्ग रिलीज करें आपके चैनल से और हम मार्केट में लेके आए। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए टैलेंटेड लोग जो हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम मिलके एक प्लेटफॉर्म पे औरों को भी हम चांस दें। हाँ, तो डेफिनेटली हम उसको जो है आने वाले समय में जरूर करेंगे। तो और क्या आपका कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा है आज के टाइम में? लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया था सो मेनी डिस्को चल जाएगा ना जी, जो हमारे एक खास हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उनके साथ मैंने सोलो सॉन्ग किया था और पंजाबी वर्जन मैंने गाया था, हिंदी वर्जन उन्होंने गाया था जी। ये बेसिकली डांसिंग नंबर था और ये जेके के फिल्म प्रोडक्शन नोएडा में शूट हुआ था गाना, और काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा और काफी अच्छा फीडबैक रहा, और गाना बहुत अच्छे लव थे, पंजाबी लव जो उसके थे, आजा आजा सोने आजा डिस्को च आजा जरा लपनू हिला जरा ठुमके लगा जा 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 आजा आजा सोने आजा 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 मनमोहनी आजा। ये गाना SH शीतल जी ने लिखा था और ये महावीर स्टूडियो में हमारा ये रिकॉर्ड हुआ था, जगदीश जी ने इसको मिक्स किया था। तो अच्छा इसका फीडबैक मुझे पब्लिक से मिला, तो अब थोड़ी सोच है कि हम लव की तरफ भी चलें, कुछ अलग लाइन भी हिट होना ये जरूरी नहीं कि पंजाबी डांसिंग नंबर से ही आना है,
किस्मत की बात है। तो मेरी मुझे कई लोगों ने राय दी कि मोनू जी पंजाबी आप निकालते हो, कुछ ऐसा निकालो जो थोड़ा सा हटके हो। तो मैंने कहा मैं लव सॉन्ग ही करता हूँ, तो मैंने अब ले लिए हैं। तो मेरे साथ एक बड़ी अच्छी मॉडल है, उनको मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ इस बारी, और उनका परिचय भी हम थोड़ी देर में करवाएंगे। वो मॉडल कौन है और इसका वीडियो बहुत जल्द थोड़े दिनों में मैं चाहूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और इसको गाने को मार्केट में ले। नहीं देखिए, आप इतना लगे हुए हो और म्यूजिक इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में एक थेरेपी है। अगर इस थेरेपी को कंटिन्यू करते हुए अगर आप काम करते हैं तो नेचुरली बहुत अच्छा रहता है। एक मोंटू जी और बताएं कि आज जो संगीत के ऊपर एक ऐसा कहर सा आया है, जो नए लड़के आना चाह रहे हैं संगीत में, जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, माँ सरस्वती उनके कंठ पर बैठी हुई है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए एक म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए? देखो सर, म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए एक रास्ता मिलना बड़ा जरूरी होता है, सही प्लेटफॉर्म, सही लोग, और अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको आगे लाना बहुत जरूरी है। तो मैं नई जनरेशन कहूंगा, जो भी गाना लेके आओ अच्छा लेके आओ, कॉम्पिटिशन अच्छी हो, वीडियो अच्छा डायरेक्ट किया हो और अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो वो आप जल्दी सक्सेस होंगे। और मेरे नए जनरेशन में ये कि आप जो भी करो बढ़िया करो, क्योंकि उन सिंगरों को सुनो जो सिंगरों ने ओल्ड गाने करे हुए हैं, जैसे सुपर बॉलीवुड पंजाबी में ने, जैसे दलेर मंदी साहब, मीका जी, इनके गाने आज भी बजते हैं, क्योंकि आपकी नई जनरेशन माहौल के हिसाब से गाने लेके आ रही है। हर कोई कहता है रैप गाने में हो, रैप का बड़ा अच्छा जमाना है, और हनी सिंह वगैरह सब रैप कर रहे हैं, और रैप के बिना कहते हैं तड़का नहीं लगता, तो बात ठीक भी है। तो जैसा गाना होता है वैसी कॉम्पोजिशन होती है, उस हिसाब से हमें वो प्रोजेक्ट रेडी करना होता है। नई जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि आप जो भी करें अच्छा करें और मुकाम जरूर आपकी हासिल होगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दर्शकों को भी इस बात से अच्छा लगेगा कि आप जो भी करें अच्छा करें, और अच्छा करने के लिए आपको मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत तभी सक्सेसफुल होती है जब आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट को लेके, और एक बात और भी मोंटू जी ने अच्छी कही है कि अगर आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो नेचुरली आप आगे जाते हैं। एक बात और मोंटू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिद्धू मूसेवाला एक इतने फेमस रहे, आप उनको कैसे देखते हैं कि संगीत की दुनिया में उनका कैसा योगदान रहा? संगीत की दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया था, मिला बेशक मैं नहीं हूँ, बट उनकी जो पर्सनैलिटी और उनका जो स्टेज परफॉर्मेंस की एक कला थी, वो शायद हर कोई बंदा नहीं निभा सकता। एक स्टाइल होता है इसका, मीका जी का अपना स्टाइल है, सिंधू मूसेवाले जी का अपना स्टाइल है, तो वो एक स्टाइल जो बना के गए, मार्केट में छाप छोड़ के गए गायकी की, वो दूसरा बंदा नहीं ले सकता, वो उनकी चीज बरकरार रहेगी और आज भी हमें याद करेंगे। आज भी आर्टिस्ट को मैं कहूंगा उनके गाने सुपर हिट है और हिट ही रहेंगे, और हमेशा उनके गाने हम भी गाएंगे, और मेरी दिल से ऊपर यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आने वाले टाइम में उनके परिवार को सर पे हाथ। नहीं देखिए दोस्तों, आज हमारा सिर्फ इतना ही छोटा सा परिचय था, क्योंकि देखिए हमने दो अपने बहुत अच्छे संगीत के महान धुरंधरों को खोया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला हैं और साथ में के दोनों ही एक ऐसी पर्सनैलिटी थे। तो आज हमारे स्टूडियो में मोंटी जी आए और उन्होंने अपने बारे में जो कुछ चीज़ें बताई, और हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसी के साथ साथ में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी और अच्छा मौका आएगा, मोंटू जी के नए प्रोजेक्ट के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं कि आपका सॉन्ग बहुत जल्दी आए, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू। डिजायर न्यूज़, वास्तविकता वही जो हमने कही।